नमस्कार साथियों, आज हम कोकस कैक्टाई के बारे में पढ़ेंगे, जो भी डॉक्टर केंट ने अपने मेटेरिया मेडिका और लेक्चर में कोकस कैक्टाई के बारे में बतलाई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछने बताने जैसा लगे तो कमेंट कीजिए, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और अपने सभी साथियों के साथ या अपने सभी फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, फ्रेंड सबके साथ जो भी होम्योपैथी या BHMS से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरीका का वीडियो पूरा का पूरा केंट मेटेरिया मेडिका, एक एक मेडिसिन और उसका अलग अलग स्पेसिफिक सब चैप्टर के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, ये टोटल चीज एक्सेसिबल सिर्फ इसी चैनल पे है, तो सभी लोगों को शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिले। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट साथियों, आज का हमारा टॉपिक कोकस कैक्टाई। तो डॉक्टर केंट अपने मेटेरिया मेडिका और लेक्चर में कोकस कैक्टाई के बारे में कहते हैं कि यह एक छोटी सी दवा है और इतनी कठोर दवाओं के अध्ययन के बाद इसके अध्ययन से कुछ आराम मिलेगा, मतलब इसमें बहुत ज्यादा सिम्टम्स है नहीं, लेकिन ये डीप एक्टिंग रेमेडी है इतना तो कहते हैं। पूरी पूरी परीक्षा होने पर इसमें संदेह नहीं कि यह अपने में एक गहराई तक काम करने वाली धातु संशोधक दवा हो जाएगी। यद्यपि इसने कुछ बद्धमूल पुरानी बीमारियां आरोग्य की हैं, तथापि इसका प्रयोग खासकर नई बीमारियों में ही होता है। यह इस कारण से कि इसकी परीक्षा बहुत थोड़ी हुई है तथा हम लोगों को सर्वांगिक रीति से इसका ज्ञान नहीं हुआ है। मानसिक लक्षण बहुत कम प्रकट किए गए हैं। जहां तक दिखाया गया है, इसका व्यवहार वायु पथों की सर्दी की अवस्था में और उस हुपिंग खांसी में होता है, जिसमें बहुत ज्यादा डोरी की तरह, चाशनी की तरह श्लेष्मा निकलता है। नाक में, कंठ में, खासकर वायु पथों और योनि पथों में बहुत ज्यादा मात्रा में श्लेष्मा देखते हैं तो उनके ध्यान में काली बाइक्रोम आता है। यह की नोट की कुंजियों के अध्ययन से होता है। की नोट जैसे कि हम एलेंस की नोट्स पढ़ते हैं तो उस तरह के कुंजियों से, पर काली बाइक्रोम के सिवा अन्य दवाओं में भी यह लक्षण है। उसके बाद कफिंग बताते हैं, आक्षेपिक खांसी, हुपिंग खांसी, शराबियों की खांसी, खासकर जाड़े के दिनों में कोकस कैक्टाई के रोगी को पुरानी सर्दी होती है। यह उस समय आरंभ होती है जब शीत ऋतु आरंभ होती है और तब तक बनी रहती है जब तक गर्मी की ऋतु नहीं आ जाती। रोगी ठंडा रहता है और उसकी बीमारियां शीत ऋतु में ही उत्पन्न होती है, यानी कि ठंडे के मौसम में ही, विंटर वेदर में ही उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं, कोकस कैक्टाई की सिम्टम्स वो आती हैं। उसे सर्दी सहन नहीं होती, सहज में ही सर्दी लग जाती है। आपको स्वतः रोगी और उसकी बीमारियों से प्रभेद करना होगा, क्योंकि वे आपस में एकदम विपरीत रहती हैं। अब ये एक समझने का चीज है, जब ठंड लगकर वह एक बार बीमार होता है तो गर्म कमरे में उसकी अवस्था सदा बदतर रहती है और ठंडी हवा में अच्छा रहता है। ठंड लगकर गर्म कमरे में बिछावन में बहुत गर्म हो जाने पर और गर्म चीजें पीने पर उसे खांसी आने लगती है। ठंडे कमरे में और ठंडी चीजें पीने पर वह अच्छा रहता है, परिश्रम से बदतर हो जाता है। गर्म किए जाने पर, गर्म होने पर, अर्थात एक बार रोग भीतर बैठ गया है तो यह अपने को बदला करता है। यह बहुत सी अन्य दवाओं की भांति नहीं है। मुझे डॉक्टरों के लिखे कई पत्र मिले हैं, आपकी रेपर्ट्री और बोनिंगहसन में यह क्या है, कितनी ही दवाएं सर्दी से अच्छी और सर्दी से बदतर लिखी हैं। वे दोनों ही कदापि नहीं हो सकती, पर उनमें दोनों ही क्रियाएं हैं। कभी कभी विभिन्न अवस्थाओं में और कभी उसी अवस्था में वैसा ही होता है। कभी ये प्राथमिक और कभी गौण लक्षण होते हैं। यह निश्चय कराने के लिए कि यह कैसे होता है कि ये अवस्थाएं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत रहती हैं, मतलब कि ये क्लियर करने के लिए किसी दवा की अच्छी तरह परीक्षा होनी चाहिए। पर बोनिंग हसन ने उन दोनों ही बातों को लिखा है जो विशेष लक्षण के रूप में है या जो साधारण लक्षण के रूप में है, और यदि उसके विचार में कोई लक्षण किसी दवा से आश्चर्यजनक रूप से बदतर हो जाता है और यह साधारण के बिल्कुल विपरीत भी रहता है, उन्होंने उस लक्षण को मोटे अक्षरों में प्रकट किया है। हम जो कुछ कह रहे हैं, फास्फोरस उसका उज्ज्वल उदाहरण है। यदि आप फास्फोरस का सावधानी से अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि वक्ष की बीमारियां सर्दी से, सर्द हवा से और ठंडी हो जाने पर बदतर हो जाती हैं। सर्दी लग जाती है और वह रोगी के वक्ष में जम जाती है, तथा खांसी और वक्ष का उपदा सर्दी से या सर्द हवा लगने पर बदतर हो जाता है। इतने पर भी रोगी पकासे में ठंडी चीजें डालना चाहता है, मतलब अपने पेट में, उसके पकासे को ठंडी चीजें अच्छी मालूम होती है। उसे भले ही सिर की बीमारी हो पर उसका माथा सर्दी से अच्छा रहता है, वह पकासे में ठंडी चीजें चाहता है। यदि उसे पकासे की तकलीफ रहती है तो किसी भी गर्म चीज से वह बदतर हो जाती है। वह ठंडा पानी पीना चाहता है, जो ही वह गर्म होता है वह उसे वमन करा देता है। अब देखें कि फास्फोरस का रोगी सर्दी से बदतर और फिर गर्मी से भी बदतर हो जाता है। हाथ पैरों का दर्द ताप से अच्छा रहता है।
अब ये समझने योग्य डिफरेंस है साथियों, एक तो कोकस कैक्टाई को हम लेकर के चलते हैं, फास्फोरस को फिलहाल छोड़ देते हैं, तो कोकस कैक्टाई पर हम फोकस करें तो मूल रूप से क्या कह रहे हैं कि इसके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके जो सिम्टम्स आने हैं वो ज्यादातर विंटर सीजन में ही आएंगे, विंटर के मौसम, ठंडे के मौसम में ही आएंगे, और चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो लेकिन उसको रिलीफ भी जो होता है वो ठंडे से ही होता है, वो ठंडा कमरा चाहेगा, वो ठंडे इंटेक लेना चाहेगा, वो खाना पीना ठंडा चाहेगा, इससे उसको अच्छा महसूस होता है, आराम मिलता है। तो ये समझने योग्य चीज है। जैसा कि बताया गया है, पुरानी खांसी अक्सर जाड़े के शीत ऋतु से आरंभ हो सकती है और संपूर्ण जाड़े भर रह सकती है, वक्ष में बहुत ज्यादा श्लेष्मा बनता है, यह एक आक्षेपिक खांसी होती है, स्पास्मोडिक टाइप का, जिससे रोगी को खांसने के लिए प्रचंड चेष्टाएं करनी पड़ती हैं, चेहरा नीला हो जाता है, अंत में उसे उबकाई आती है और लंबी डोरी की तरफ बहुत सारा करा बलगम वमन के साथ निकलता है, जिससे उसका मुंह और कंठ भर जाता है और उसका श्वास रोध होने लगता है। यह इस वजह से होता है कि श्लेष्मा इतना लसदार है कि आसानी से गलकों से नहीं निकलता, इतना ज्यादा स्टिकी होता है, इसलिए रोगी वमन करता है। अब इस दवा का एक आश्चर्यजनक रूप देखिए, गलकों से जिस किसी चीज का संबंध हो जाता है, मुंह का भीतरी भाग, यहाँ तक कि मसूड़े से भी, उसे मुंह बंद हो जाता है, उबकाई आती है तथा वमन हो जाता है। यह उन स्पर्श असहिष्णु व्यक्तियों की पुरानी दशाओं में मिलता है, जो बिना गलगलाए और कभी कभी वमन किए बिना, जो न दांत मांज सकते हैं और न दांतों की सफाई कर सकते हैं। और मतलब कहने का है कि बहुत सारे लोगों में यह होता है कि ब्रश करने के दौरान लोग उल्टी तक कर देते हैं, ब्रश करने और जिब्बी टंग्स वगैरह साफ करने में, और तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि कोकस कैक्टाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चर्म तथा श्लैष्मिक झिल्ली की अत्यधिक सर्वांगिक स्पर्श असहिष्णुता रहती है, मतलब स्किन से लेकर म्यूकस मेम्ब्रेन तक। पोशाक का दबाव सहन नहीं होता, मतलब कपड़ा का भी जो है, आपके क्लोथ्स का, और उसका भी प्रेशर, उसका भी टच बर्दाश्त नहीं है। वक्ष की तकलीफों के साथ श्वास कष्ट रहता है, बिना श्वास कष्ट के वह चल नहीं सकता, बिना श्वास रोध हुए वह किसी ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकता। कुछ परिणाम में श्लेष्मा निकल जाने के बाद खांसी अच्छी रहती है, मतलब थोड़ा भी अगर म्यूकस निकल जाए, श्लेष्मा निकल जाए, कफ निकल जाए, तो उसे थोड़ा सा आराम तो मिलता है और 2-3 घंटे तक अच्छा रहता है। जब इन भयंकर आक्रमणों में से एक फिर आ जाता है, बिछावन में गर्म हो जाने पर रात में यह बदतर हो सकता है, यदि वह बिना बहुत सा ओढ़ना ओढ़े किसी ठंडे कमरे में लेटा रहे तो उसे बहुत देर तक खांसी नहीं आएगी। हुपिंग खांसी भी इसी प्रकृति की होती है। आप बच्चों को ओढ़ना उतारे बिछावन पर परे देखेंगे, मतलब कपड़ा वपड़ा फेंक करके और बिछावन पे परा रहेगा, वे ठंडा कमरा चाहते हैं। उनकी माता आपसे कहेंगी कि यदि वह उसे काफी ठंडा पिला दे तो वह आवेश को घटा दे सकती है। वक्ष तक श्लेष्मा से भरता जाता है जब तक फिर श्वास नहीं लिया जा सकता और इसे अवश्य ही निकल आना चाहिए। इतने पर भी बच्चा जोर लगाकर अपनी सांस रोके रहेगा कि खांसी ना आए। आप देखकर आश्चर्य करेंगे कि कोकस कैक्टाई किस तरह खांसी की प्रकृति बदल देता है। सरल श्वास प्रश्वास द्वारा ही रोग के घटने का चिन्ह प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि अगर पेशेंट नॉर्मल अगर ब्रीद लेने लगे, सांस लेने लगे नॉर्मली, तो समझिए कि उसका प्रॉब्लम जो है वो घट रहा है, ये सिम्टम एक पहचान हो गया, साइन हो गया, खांसी घट जाती है, उबकाई चली जाती है और 1 सप्ताह या 10 दिन में खांसी भी गायब हो जाएगी। भोजन के बाद चलने पर और गर्म कमरे में खांसी का बढ़ना, ये सारी चीजें आपको कोकस के टाइम में दिखती हैं। उसी के साथ हुपिंग खांसी की आरंभिक अवस्था में कार्बोवेज उसे बढ़ा देगा, लक्षणों को प्रकट कर देगा तथा दूसरे नुस्खे की एक सुंदर तस्वीर लाकर रख देगा, यदि उससे आरोग्य न भी हो, मतलब कि शुरुआती हुपिंग खांसी में कहते हैं कि कभी भी अगर हुपिंग खांसी हो रही है, अगर आपको मान के चले और स्टार्टिंग एज है, अभी शुरू हुआ हो, तो वहां पे कार्बोवेज स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छा काम करती है। अब वो करती क्या है कि जो 2 दिन 4 दिन 10 दिन में जो सिम्टम्स अभी हुपिंग खांसी के और निकलने हैं, तो कार्बोवेज या तो हुपिंग खांसी को ठीक कर देती है या फिर जो भी सिम्टम्स निकलने हैं उसको निकाल करके और पूरा आपके सामने एक तस्वीर, मतलब कहें कि एक पेन पिक्चर लाके रख देता है, जिसके अकॉर्डिंग आप एक तरह से एक सेकंड प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर सकते हैं। और यही कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पे लोग कहते हैं कि होम्योपैथी पहले बढ़ा देता है फिर घटा देता है, तो बढ़ाता बढ़ाता कुछ नहीं है साथियों, ये ट्रीटमेंट का ही प्रोसीजर होता है, ये ट्रीटमेंट का फेज होता है, कुछ बढ़ता नहीं है, वो बस आपके अंदर था, उसको निकलना था। आप अगर किसी तरह का सप्रेसिव मेडिसिन लेते हैं तो आप उसको दबा देते हैं बस, लेकिन होम्योपैथी उस सिम्टम को निकाल के उसको जड़ से समाप्त करता है ताकि आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें। उसके बाद कहते हैं, नाक से गाढ़े श्लेष्मा का स्राव, छींकने की इच्छा के साथ नाक रुकी हुई, नाक का बहुत अधिक सूखापन, श्लेष्मा निकल जाने पर वायु पथों में जलन होती है,
सिर्फ श्वास द्वारा हवा खींचने पर भी वक्ष में जलन होती है, लाली के साथ कंठ में जलन और सुरसुरी, स्वर यंत्र के पीछे कंठ में केस या रोरी अरी रहने की तरह, मतलब कि कुछ सैंड जैसा कुछ अड़ा हुआ है, इस तरह का मालूम होना। गलकोश बहुत ही स्पर्श असहिष्णु रहता है। गलकोश और तालू की मेहराब जहां तक दिखाई देती है बहुत लाल रहती है। कंठ में जलन, गर्मी से बढ़ना, खासकर जब रोगी बिछावन में गर्म हो जाता है, गर्म पेयों से बढ़ना, कुछ भी गर्म पीता है तो उसे बढ़ता है। यद्यपि गर्म पेय इतने बुरे नहीं रहते हैं, ठंडे पेयों से उत्तम, ठंडी चीज पिएगा उसको अच्छा महसूस होगा। यदि रोगी बिछावन में गर्मा जाता है या कमरा गर्म हो जाता है तो वह स्वर यंत्र को हाथ से पकड़ने और खांसने लगता है। तालू का थोड़ा भी छूना या मसूढ़े की परीक्षा के समय छूना कभी कभी उस समय उबकाई ला देगा। जब वे अंग स्वाभाविक दिखाई देते हैं, बिना उबकाई आए वह खखार भी नहीं सकता। खाद्य निगलने पर कभी कभी यह ठीक वापस आ जाएगा और उसका मुंह भर जाएगा और उबकाई आएगी। उसके बाद प्यास बताते हैं कि बहुत प्यास, बार बार और बहुत ज्यादा मात्रा में पानी मांगता है। मुंह का स्वाद जी मिचलाने वाला, कंठ में मिचली सफेद तीते स्वाद वाले फेन की कह होती है। दांत का दर्द, दांतों में एकाएक खींचन का दर्द छूने और सर्दी से बदतर हो जाती है। उसके बाद मेंटल सिम्टम्स बताते हैं। मानसिक लक्षणों में खासकर सुस्ती और घबराहट है, बहुत उदासी, प्रत्येक चीज पर एक पर्दा परा सा मालूम होता है, संकित चित्तता, मतलब एकदम डाउटफुलनेस रहता है उसके अंदर, हर चीज में शक की मिजाज, खासकर 2 बजे से 4 बजे सवेरे तक, मतलब ये 2 बजे से 4 बजे सवेरे तक वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहेगा, हर चीज का उसको चिंता होते रहेगा, बहुत ज्यादा शंका करके, किसी का डाउट पाल के और टेंशन में रहेगा। यह अवस्था लाइकेसिस की तरह बकवाद और सजीवता में बदल जाता है, मतलब कि आपको टॉकेटिवनेस, आपको जो है ये चीज आपको आगे चलकर और देखने को मिल सकता है पेशेंट में। अन्य लक्षण भी ऐसे हैं जो नींद के बाद बदतर हो जाते हैं। सवेरे कीटाणु के कारण सिरदर्द पैदा हो जाता है या ललाट में सिरदर्द के साथ जागता है। मानसिक परिश्रम से बढ़ता है लेटने के बाद, धीरे धीरे टहलने पर घटता है, परिश्रम से और खांसने पर बढ़ता है, नींद के बाद बदतर हो जाता है। उसके बाद आपके यूरिनल और जेनिटल ऑर्गन्स बतलाते हैं। मूत्रपिंड पर इसका एक जबरदस्त स्वरूप है, इसका नवीन कोरंड घटित मूत्र ग्रंथि प्रदाह, आप समझ सकते हैं नवीन मतलब नया और कोरंड घटित मूत्र ग्रंथि प्रदाह आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा कि इसका डेफिनेशन क्या है, आप देख लीजिए पॉज करके। कहते हैं पेशाब में अंडलाल, गहरी लाल तली, मतलब कि जो यूरिन निकलता है उसमें ऊपर ऊपर एक लेयर सा एक आपको लाल सा दिखेगा, गहरा लाल। मूत्रपिंड से मूत्राशय तक और फिर नीचे पैर तक खोचा मारने की तरह दर्द होता है, चलने फिरने पर बढ़ जाता है। दर्द युक्त गुर्दा, मतलब कि आपके और किडनी रीजन में भी आपको किडनी में दर्द भी महसूस होता है, पेशाब लगता है, पर तब तक पेशाब उतरता नहीं जब तक रक्त का बड़ा सा थक्का निकल नहीं जाता, माने कि एक ब्लड का आपको क्लॉटेड ब्लड का एक ढेला सा आपको जब तक नहीं निकलता तब तक पेशाब नहीं होता। मतलब ये ही जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये है तो वो कोक्कस कैक्टाई का पेशेंट है। कोक्कस कैक्टाई में हृदपिंड के दाहिने पार्श्व पर रोग का आक्रमण हो जाता है, हार्ट के दाहिने एरिया पे रक्त वाहिनियां फटने योग्य हो जाती हैं और उनसे रक्त स्राव होने लगता है, रक्त चूता है और बड़े बड़े काले थक्के बन जाते हैं। ऊपरी लक्षण जरायु से रक्त स्राव होने वाली स्त्रियों को होते हैं, जहां रक्त बिना रुकावट के निकलता है वहां जरायु से रक्त स्राव होता है, धीरे धीरे जमता है तथा योनि में बहुत से थक्के नहीं बनते हैं, पर इस दवा में बहुत तेजी से थक्के बनते हैं तथा योनि पथ उनसे भर जाता है और तब तक मूत्राशय खाली नहीं हो जाता जब तक ये थक्के निकल नहीं जाएं। जरायु से रक्तस्राव इस दवा का सुदृढ़ स्वरूप है, बहुत ज्यादा बार बार और ज्यादा दिनों तक होने वाला मासिक रजस्राव, बड़े बड़े काले थक्कों से जरायु भरा रहता है, प्रसव की तरह दर्द होकर ये निकलते हैं और फिर बनते हैं। जरायु तथा योनिपथ का प्रदाह, इसके साथ ही बहुत ज्यादा गाढ़ा सफेद चाशनी की तरह डोरी जैसा श्लेष्मा, ये कोक्कस कैक्टाई का एक सिम्टम है कि डोरी जैसा एक, मतलब जैसे थ्रेड धागा जिसे कहते हैं, तो धागे की तरह का श्लेष्मा म्यूकस निकलना, योनि में जख्म की तरह यंत्रणा, वस्त्र का दबाव सहन नहीं कर सकता। उसके बाद कहते हैं मुंह से रक्त आना, वो भी थक्का थक्का मतलब क्लॉटेड, परिश्रम से बढ़ जाता है। कमर के धीमे दर्द के साथ पुरुषों को ध्वज भंग रहता है, अब ध्वज भंग समझ सकते हैं, अंडलाल मिले पेशाब के साथ मूत्रपिंड प्रदेश में धीमा धीमा दर्द, पेशाब प्रवृत्ति में भारी तली, ठीक वैसी ही अवस्था जैसी किसी बच्चे की अरक्त ज्वर के बाद सर्दी लग जाने पर होती है।
तो ये सारी जानकारी है साथियों जो डॉक्टर केंट ने अपने मेटेरिया मेडिकल और लेक्चर्स में कोक्कस कैक्टाई के बारे में बतलाई है। ऐसा करता हूँ कि मैं आपको बेहतर रूप से समझा पाया हूँ ये वीडियो। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो साथियों तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट करें। अगर मुझसे किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो कोई क्वेश्चन हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर मुझसे बात करना चाहें तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके और मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं स्पेसिफिक टाइम दे करके और फिर आपसे बात करूंगा। तो इसी के साथ साथियों वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।